एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अ बर्थडे रिटन बाय क्रिस्टीनिया रोसेटी। सो पोएट कह रही है, माय हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड हुज नेस्ट इज इन अ वाटर शूट। सो पोएट कह रही है, मेरा जो दिल है वो एक गाती हुई चिड़िया की तरह है जिसका दिल एक पौधे में है, और वो पौधा ऐसा है जिसमें पानी दिया गया है। उसको इतना पानी दिया गया है कि वो पौधा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। माई हार्ट इज़ लाइक एन एप्पल ट्री हुज बोज आर बेंट विद थिकेस्ट फ्रूट। यानी मेरा जो दिल है वो एक एप्पल ट्री की तरह है, और इस एप्पल ट्री की जो डालियाँ हैं तो वो डालियाँ ना झुकी हुई हैं। तो वो डालियाँ जो हैं वो कैसी झुकी हुई हैं, तो वो डालियाँ पर पके हुए फ्रूट्स लगे हुए हैं, इसलिए वो जो डालियाँ हैं वो झुकी हुई हैं। माई हार्ट इज़ लाइक अ रेनबो शेल दैट पैडल्स इन अ हेल्कियन सी। अब पोएट कहती हैं, मेरा जो दिल है तो वो किसी रेनबो की शेल की तरह है। यानी दूर से जिस तरीके से एक रेनबो दिखता है तो बिल्कुल उसी की तरह है जो कि एक हेल्शियन यानी एक पीसफुल, एक शांत समुद्र में फैला हुआ है। यानी जिस तरीके से समुद्र के ऊपर शांति से रेनबो बनता है, तो मेरा दिल है ना वो वैसा ही महसूस कर रहा है, फील कर रहा है, और मेरा जो दिल है ना वो उसी रेनबो की तरह हो गया है। माई हार्ट इज़ ग्लैडर देन ऑल दीज बिकॉज माई लव इज़ कम टू मी। सो पोएट जो हैं अभी तक अपने दिल को सारी चीज़ों से कंपेयर कर रही थी कि इस तरीके से मैं खुश हूँ, लेकिन अब पोएट कहती हैं कि मेरा जो दिल है इन सभी चीज़ों से ज़्यादा खुश है। और इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है, जो मेरा प्यार है तो वो ना मेरे पास आ गया है। यानी मेरा लवर जो अभी तक मेरे से दूर था तो वो ना मेरे पास आ चुका है। रेज मी अ डाइस ऑफ सिल्क एंड डाउन हैंग इट विद वेयर एंड पर्पल डाइस। सो यहाँ पर पोएट कह रही हैं कि मेरे लिए ना यहाँ पर एक मंच तैयार करके दो। मंच मतलब एक तरीके से बोला जाए स्टेज, ओके, और उसको ना डेकोरेट करो। किससे डेकोरेट करो, मलमल के पर्पल जो कपड़े होते हैं उससे डेकोरेट करो। और उस स्टेज में जो स्क्वेरल होता है उसके जो फर होते हैं तो उसको वहाँ पर लटका दो। कार्व इट इन डव्स एंड पोमीग्रेनेट्स एंड पिकॉक्स विद अ 100 आईज। और साथ ही उस मंच पर नकाशी करनी है, तो किन चीज़ों की, तो डव पक्षी की और अनार के फलों की, और साथ ही पिकॉक्स की यानी मोर की, और ऐसे पिकॉक्स की जिनकी आंखें 100 हों। तो इस तरीके से ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाने हैं। तो ये डिज़ाइंस कहाँ पे बनाने हैं, तो उस स्टेज पे, उस मंच पे। वर्क इट इन गोल्ड एंड सिल्वर ग्रेप्स इन लीव्स एंड सिल्वर फ्लावर्स दी लेस। अब यहाँ पोएट क्या कह रही हैं कि उस मंच पे ना गोल्ड और सिल्वर के जो ग्रेप्स होते हैं उसको लटकाओ। यानी नकली अंगूरों से उस स्टेज को सजाना है। लेकिन वो नकली जो अंगूर होंगे वो किसके होंगे, तो वो सोने और चांदी के होंगे। और साथ ही वहाँ पर लीव्स भी यानी पत्ते भी लटकाने हैं, वो भी इन्हीं मेटल्स के होंगे। सो पोएट जो हैं वो चाह रही हैं इन सारे जितने भी स्टफ़ हैं, जितने भी सामान हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर उस स्टेज को, उस मंच को तैयार किया जाए। बिकॉज द बर्थडे ऑफ माई लाइफ इज़ कम, माई लव इज़ कम टू मी। क्योंकि मेरे जो जीवन का बर्थडे है तो वो आज आया है। और वो क्यों आया है, क्योंकि मेरा जो लवर है वो आज मेरे पास लौट कर आया है। क्योंकि मेरा लवर मेरे पास आया है तो आज के दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत हुई है, और साथ ही साथ मेरा एक नया जन्म हुआ है। और इसीलिए आज के दिन मैं इसको सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। कैसे,
की बर्थडे के रूप में। तो इसीलिए सब लोग तैयारियां करो, मंच बनाओ यानी स्टेज बनाओ और उसको डेकोरेट करो, क्योंकि आज ही मेरा बर्थडे है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये पोयम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।